अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल मनीर? मकई की फसल की सूरत हाल सुनाओ। लोगों के बड़े शौक न गड्डी पांच पांच दस दस किले ते होने वेचते नहीं पे। ते मैं नहीं लाई जी ऐतकी मकई को नहीं लाई सी ते कजना मेरे ने लाई है ते वो भी रोंदे पैने दे नाल। बिल्ला किदे दे तैयारियां? किदे मुरबे दी तैयारियां। अच्छा की जा खोती दे पट्टे बनने? खोती नहीं बकरियां दे। मैं अहमद मलिक। सब तो पहले सबसक्राइब करो, लाइक करो, तो जेड़े मेरे दोस्त बिरा वीडियो वेख रहे हैं उन्होंने वेलकम मेरे चैनल शुक्रिया। ते नाले वीडियो नू लाइक करो। बड़े दिन हो गए दोस्तों वीडियो नहीं अपलोड की ना ही बनाई है, क्योंकि पहले जेडे है पेपर होंगे रहन ते हुण सर्दियां दियां छुट्टियां हुई हैं। अज पंजवीं छेवीं छुट्टी है ते मैं आख्या काम जेड़ा है वह क्लीयर हो गया है। ते मैं वैसे बैठा मैं आख्या मैं बोर हों पाया, मुड़ मैं बाहर निकलिया, मुड़ मैं आख्या व्लॉग बना लीए। फिर मैं बाहर आया इतने वेने अपनी फसल वेने जी हूँ गंदम बीजी है। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल मनीर? और खैरियत सब? शुक्र अल्लाह का। तुसी अपनी फसल के बारे सुनाओ, किवें मालूमात भाई सही जा रही है कि नहीं? माशाल्लाह बड़ी सोहनी फसल खड़ी है। ते चाचू मनीर हूँ मकई की फसल की सूरत हाल सुनाओ। लोगों के बड़े शौक ना गड्डी पांच पांच दस दस किले ते हूँ वेचते नहीं पे। वो पता ही की जी जेड़े ना अगे जी हैवी रेट होंगे सी मकई दे। हाँ जी। ते 2800-3000 तक ही मक्की रही है, 3000 तो उपर गई ते एत की 1300-1400-1200 रेट है जी। इस करके रेट गिर गया। हाँ जी रेट गिर गया तो लोगों का ना नहीं दिल कर रहा उन्होंने मसलों ज्यादा लोगों की दस दस किलिया की फसलों के ही पई हुई है। परदियाँ समैत छलियाँ उत्तू ना परदे ही नहीं लाए तो इस वजह तो करके ना लॉस आ रहा है, नुकसान जा रहे हैं, ता करके ना जिम्मेदार ना खेने भाई थोड़ा लेट कर लेने बाद जिवें रेट वधे होए कड़ाक दे। हाँ जी हाँ जी जेड़े हाँ जी बस जेड़े सरमायादार लोग हैं ना जी वो तो रख सकते हैं, तो जेड़े बेचारे ने आड़तियाँ को खाद स्प्रे भी उधारे लैके पाए वो तो नहीं ना रख सकते, वो तो फिर नुकसान च जाएंगे भावे अपने बचाने ते भावे उन्होंने कर्जे लाएंगे। हाँ मसला है ये तो होंगे वाकई। तो गंदम की कोई सूरत हाल जी इतकी लोगों गड्डी है तो माशाल्लाह सुनते पे भी पैदावार बहुत ज्यादा तो बड़ी खूबसूरत हुई है। माशाल्लाह कणक माशाल्लाह बड़ी ठीक खड़ी है जी, दिल खुश हो रहा है। इंशाल्लाह रेट भी ठीक रहेगा गंदम का, तो बस माशाल्लाह ठीक है। हुण ही उधरों ही आ रहे हैं मरबे विचों ना जी, पानी लवाई रखा तो माशाल्लाह बड़िया फसल सोहनिया खड़िया ने। हाँ जी जी इस तरह सूरत हाल नजर आ रही है, इस तरह लगता है भी सारे लोगों की भाई जिन्हें जिन्हें जन गड्डी है उन्होंने इसे तरह बेहतरीन बूटा मारे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दूसरे तो बाद के जनाब फसल खड़ी है। सही ते तुसा इतकी किन्ने किले गड्डी है? हाँ जी गंदम गंदम है साड़ी जनाब 4.5 एकड़ 4.5 किले है। सही ते तुसा इतकी मकई लाई है? मक्की बीजी है? मकई मैं नहीं लाई जी इतकी मकई। अच्छा। को नहीं लाई सी ते कजना मेरे ने लाई है ते वो भी रोंदे पैने दिना अगर रेट ही कोई नहीं जनाब मक्की रेट ही कोई नहीं। हां जी पहले तो हां चोन रेट चलो फिर मिलसा है। अल्लाह हाफिज़। खुदा खुदा हाफिज़। एक तो दोस्तों बंदे जेड़े हैं ना एक किसी चीज़ के पिछे हाथ धो के लग जाते हैं। जेड़ा पहले जीवन लसरा वो लोगों बड़ा ही ज़्यादा कास्ट किया, बहुत ही ज़्यादा लाया, तो करोड़ों तू उनके रकम जी इतनी घटी कि हूँ 150-200 तो किलो विकता पै तो उस चीज़ के मगर पै हूँ हर लोग मकइया आम गड्डियां भाई रेट जेड़ा बहुत ज़्यादा है। इस वजह तो मकइया लोग आम गड्डिया तो वह मकई का रेट जेड़ा वह भी गिर गया। इसे हूँ गंदम आम लोग गड्डी है क्योंकि वो साल दी है फसल खाना होंदा है ते इसे तरह
नहीं लोकी होना सामी दोस्तों तानू नजर नहीं आ रहे हो मैनू इत आवाज निकल आदि पी है बोरिया के जड़िया छलियां वह पार के रखी हुई हैं तो हूँ आप चलने हैं अपने दोस्त की तरफ आते कबूतर वेखने हैं तो कबूतर के नाल को मोर भी हैं तो चित्रियां भी हैं तो हूँ आप दाखिल हो चुके हैं अस्सलामु अलैकुम भाई तेरा की हाल है ते इस कबूतर का की नाम रखे ने इतकी मिठू ते माशाल्लाह चकोरी तुसी वेख सकते ने ते नाल कुकड़ भी है ते ए कबूतर किस नस्ल दा है शराजी लक्का माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ते टोपी सेर दे तुसी वेख सकते ने भाई तारा का पहले जो कबूतर आइए करो आ तो चूंगा मरेंदा तो ये वेख लो माशाल्लाह आ गुटकदा वेखो किस तरह आ लक्का है ते आ शराजी अच्छा ते इंदे थले की है इंदे थले मुर्गी दे बच्चे ते मुर्गी मरेंदी है चूंगा अच्छा नहीं तो फिर आप वेखिए काट के ते आ चकोरी है बच्चे निकले चकोर दे कबूतर दे कि भाई तला कड़िया माशाल्लाह इन्हें चुंझा किस तरह है एक कबूतर के बच्चे हैं हाँ जी कबूतर आओ ये फिर दे बाहर ना दोस्तों माशाल्लाह तुसा कितने खूबसूरत ते कितने सोने बच्चे वेखे ने कबूतर के बच्चे हैं ते दूरू नजर आ रहे हैं भी इतने खूबसूरत हैं इन्हें इतने हाथ रखे ये बस ये दो हैं हाँ जी अच्छा ते निकिया निकिया इन्हें चुंझनियाँ इन्होंने पता है इन्होंने फाद के उतार कराया एक मिनट इन्हों की चोंज वेखनी है तो इन्होंने निके निके पार कबूतर फड़कदा क्यों आ दोस्तों वेखो आ निके निके उन्हें पार आ बच्चे बाहर फड़ी बैठे ना आ बच्चे फड़ी बैठे ताँग लो नहीं नहीं बच्चे बाहर फड़ी बैठे ना आ देखो दोस्तों आ बच्चे मिठू 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 कबूतर आ रहा है एक कबूतरी एक कबूतर मिठू कबूतर ते कबूतरी केड़ी है अच्छा अच्छा आ दोस्तों वेखो इन्हां दे बच्चे ते आ कबूतरी आ कबूतर ते आ कबूतरी ते इस वजह से लांदे पणकन नहीं क्योंकि इन्हां दे बच्चे नूं चा इन्हां दे खुड्डे चा के बाहर रख्या है ते हुण इन्हां नूं अंदर रखसा है ओ ना वेख दईं ए बच्चे बीमार नहीं होंदे ठंड लग गया इन्होंने फिर भाई तला इस तरह कर इन्होंने चाह के अंदर रख इन्होंने कदम ठंड ना लग जाए दोस्तों हूँ अस भाई तला के मोर वेख किधर माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं ए दोस्तों हाली बच्चे हैं इस वजह तू नहीं तो इन्हें फिर पाकड़ सैन काट के बड़े खूबसूरत लग सैन ऐ मोरनी है चिट्टी ते आ मोर है ना ते माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी कुकड़ है चूजे नाल निके निके माशाल्लाह दोस्तों जेड़ी मुर्गी तुसा पहले वेखी है उस मुर्गी दे 15 बच्चे है ते 15 दे विचों सब नाल ज़्यादा ते प्यारा ते मैनू क्यूट बच्चा जेड़ा लगा है वो आया बच्चा है ते तां वजह तेन मैं तली ते वा के ते मैं आखिया तुहानू दोस्तां नू कोड़ू करके दा व्यू भी खावां भाई तला दे कबूतर वेखो ते ए असल ते भाई तला दा जेड़ा वड्डा भाई है ना उहने अपने शौक दे नाल ए कबूतर रखे होए हैं तमाम कबूतर बहुत ही प्यारे सन ते लगे अस्सलामु अलैकुम वालेकुम और चाचा जफर की हाल चाल ठीक ठाक वाह वरना ठीक ठाक शुक्र अलहमदुल्ला किधर दे तैयारियां
ਕਿਨੇ ਮੁਰਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਜਾ ਖੋਤੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵਰਨੇ ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਖੋਤੀ ਵੇ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਵੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵੇ ਛੱਡੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 38000 ਦੀ 38 ਦੀ ਤਲਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ 40 ਦੀ ਨਹੀਂ 2 ਘੜ 40 ਦੀ 2 ਘੜ 40 ਦੀ ਸਹੀ ਤਲਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕੂੜ ਮਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਦੇਈਏ ਹਾਂ ਲਾਭ ਦੇ YouTube ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੋਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲਾਭ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੱਖਣ ਖਵੈਂਦੇ ਸਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਵੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਆ ਸਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੁਰਬੇ ਚੱਲੇ ਆ ਮੁਰਬੇ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 3-4 ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਾਹੇ ਜ਼ਫਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵਿਖਾਏ ਐਣ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਏ ਐਣ ਮੋਰ ਵਿਖਾਏ ਕਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਯਾਬ ਪਰਿੰਦੇ ਵਿਖਾਏ ਐਣ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਤੇ ਚਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਲਈਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਰਸਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਸਾਂ ਅਤੇ ਤੋੜ ਤਿਕਰ ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਕਣਕਾਂ ਨਿਕਲ ਉਸ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਆਹ ਕਣਕ ਆਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦੂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹ ਚੱਲਣਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੰਦੂਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ ਮਦੀ ਜਾਣਾ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਇੱਧੋਂ ਐਂ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਮਗਰੂ ਆ ਅਤੇ ਐਂ ਵੇਖੋ ਟਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਟਾਂਡ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸੱਟੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਦਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਐਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਤਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਵਰਸਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਸਬਜ਼ਾ ਹੀ ਸਬਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰਦੀ ਹੈ ਛਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਉਗਰਦੀ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਈ ਅੱਧੀ ਗੇਠ ਦੀ ਇਤਨੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਗੇਠ ਪੂਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇ ਵਿਖਾਵੇ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਲਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਪੀਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਮਰੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਪਦਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਪਦਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਖਿੱਚਾ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾ ਲਵਣ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੁਲਾਕਾ ਮਦਦ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਗੰਨੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਲਏ ਦੇਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਕਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਊ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਇਹਦੇ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਬਈ ਚਲੋ ਮਿਲ ਲਵੀਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੰਨਾ ਚੁੱਪਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਠਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਰਸ ਹੈ ਗੰਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆ
तीन बनिया गन्ना चूप लो भैया घर घर तू शाम ही आँदी भैया सूरा ही चलू आवन वाला वाली वाल मैच जरा भी लगे खोता है हम तो उसे वाली वाल अल नहीं जाना हम सीधा चल सा दूसरा मुरबे या कि पता मेरे भाई का दिमाग अही कर भी ओद चलिए ट्रैक्टर कितनी स्पीड जा रहा हो आ मगर चाई बंदा हम चल कहने उन्होंने को बैठे हैं हम दोस्तों अस जा रहे हैं वापस घर सारे घूम फिर लिया है तो नाले परुबेलियां लुई हो जाए तो चलने घर मिलता है अगली वीडियो तब तक दीजिए इजाजत सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अल्लाह हाफिज़।